थ्री भले ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म ना बनी, लेकिन हाँ फिल्म को हिट होने में देर ना लगी। वन वीक भी नहीं हुआ और ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। सलमान और मेगा स्टार, ये दो ऐसा नाम है, दो ऐसा शब्द है जो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहा है। देखा जाए तो अगर 10 सालों की लिस्ट जो फिल्म है सलमान खान की, अक्सर ही उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट रही है। वांटेड फिल्म के बाद दबंग, दबंग के फ्रेंचाइजेस में दबंग 2 और अब दबंग 3। एक था टाइगर से लेकर टाइगर जिंदा है, रेस 3 से लेकर सलमान खान की आई इस साल रिलीज हुई फिल्म भारत, ये सभी फिल्में सलमान खान की सुपर डुपर हिट रही है। पिछले 10 सालों में सलमान खान की एक फिल्म सुल्तान भी रही है जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। तो सलमान खान ब्लॉकबस्टर किंग क्यों कहे जाते हैं ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन सलमान ने हाल ही में दबंग 3 की कामयाबी पर बात करते हुए सोनाक्षी और अपनी केमिस्ट्री, सोनाक्षी सिन्हा के साथ हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करने से लेकर उन्होंने दबंग 4 को लेकर जो ऐलान किए, जो बात कही है इंटरव्यू में, जो उन्होंने खुशी जाहिर की है परिवार के बीच, जो सलमान और सोनाक्षी की फिल्म को लेकर खबरें आई हैं, खुद सलमान ने जो कहा है वो सारी बातें आज हम करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। मैं तृप्ति लेकर आई हूँ ये शो, और इस शो के बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए हम जानेंगे सलमान खान ने स्टेटमेंट जो दिया है फिल्म दबंग 3 और सोनाक्षी के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी ऑन स्क्रीन वाइफी सोनाक्षी के साथ रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 को लेकर बड़ा ऐलान किया। दबंग 3 भले ही बहुत बड़ी कमाई नहीं कर पाई, पहले दिन फिल्म की कमाई 24 करोड़ के आसपास रही, दूसरे दिन कमाई 27 करोड़ के आसपास, और 6 दिन में 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बाद ये फिल्म हिट तो हो गई, लेकिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली सलमान खान की फिल्म दबंग 3 सलमान के साथ रिलीज हुई फिल्म भारत के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। भारत फिल्म में कैटरीना थी उनके साथ और वो काफी खुश थे। फिल्म को 200 करोड़ के आंकड़े के पार होने के बाद मिली जबरदस्त कामयाबी से, लेकिन इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि CAA प्रोटेस्ट का असर सलमान खान की फिल्म पर पहले दिन पड़ने के बावजूद फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा, और इसी की खुशी हाल ही में सलमान जाहिर करते नजर आए। साथ ही साथ सलमान खान ने अपनी खुशी को दोगुनी करते हुए अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस से तोहफा बटोरते हुए सोनाक्षी और अपनी कामयाबी का जिक्र करते हुए दबंग 3 को मिली रिस्पॉन्स के लिए शुक्रगुजार फैंस का करते नजर आए। साथ ही उन्होंने और भी तमाम बड़े खुलासे किए। गुड न्यूज को लेकर अक्षय कुमार की तारीफ करते उन्होंने उनके साथ रिश्ते का भी खुलासा किया कि बहुत ही करीबी हैं, अक्की उनके साथ में ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है नेक्स्ट ईयर सलमान की फिल्म राधे, जिसमें गौतम गुलाटी होंगे अहम रोल प्ले करते हुए। तो सोनाक्षी पारशक्ति से लेकर हुमा कुरैशी और तो और गौतम गुलाटी को स्पॉट किया गया नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने के लिए। तो सोनाक्षी सिन्हा भले ही आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने पहुंच गई हो, लेकिन इससे पहले सोनाक्षी सलमान के जन्मदिन पर उनके साथ स्पेशली उनके बिल्कुल करीब नजर आई थी, जो कोई पहला केक उनके हाथ एक हाथों नजर आई, जिसके बाद सलमान खान ने इस बार फिर से दे दी है गुड न्यूज कि वो दबंग 4 को लेकर आएंगे, और दबंग 4 में इस बार उनका अलग रोल देखने को मिलेगा। राधे के अलावा अगर बात की जाए सलमान खान के अनाउंसमेंट की, तो सलमान ने ये भी बताया है कि वो इस बार दबंग 4 के अलावा एक ऐसे फिल्म में लेकर आएंगे जिसमें ना सिर्फ उनका एक किरदार बल्कि ट्रिपल रोल देखने को मिलेगा आपको। चोलबुल पांडे और केक के डेविल से लेकर आपको दिखाई देंगे इस फिल्म में राधे तक, यानी कि वो फिल्म सलमान के ट्रिपल रोल को लेकर होगी। तो ये गुड न्यूज़ तो सलमान ने दी है, साथ ही में सलमान ने और क्या क्या कहा है आइए इस इंटरव्यू के जरिए जानते हैं। हमारे लिए बर्थडे है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट आवर फिल्म इज ओपनड एंड यू नो दैट फिल्म इज नॉट ओपनड, दैट एवरी फिल्म शुड ओपन, चाहे अक्की की हो, शाहरुख की हो, एवरी फिल्म शुड डू वेल फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, यू नो, और ये जो opening is not a bad opening at all, it's a damn good opening, you know, whatever jo halat, you know, we're going through in the country right now, and people are still going watching our movies,
it is a salute to all our fans. रिएक्शन तो अभी बहुत सारे मिल रहे हैं. एक तो दबंग के ऊपर बहुत अच्छे रिएक्शन मिले. वो जो नंबर जिसपे हम लोग वी वर गोइंग टू ओपन वो नहीं हो पाया, बट वी आर हैप्पी विद दिस ऑल्सो. We are very happy with this, that people are going to see the films and in troubled times. So we are very, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि you know जो हमको fans इतना support देता है कि वो खुद की hard earned you know कमाई जाके you know they go to theatres and they go and spend that on us. So इससे बड़ा compliment क्या हो सकता है. और उसी के लिए ताकि उनके पैसे waste ना जाए. We all are working very hard. Ab ye good news also is opened, and the film's report is also very good. So hope this film also it becomes our key's biggest hit. So every film should do well. Salman, how many birthdays? Salman ji, बोलते हैं कि हमारी खुली है और उनकी नहीं खुली है, सब बकवास है. I would have been the happiest कि अगर आखिर की picture हमसे बड़ी opening लेती. Salman ji, weekend I know Aki is a dear friend of mine and I always wish him all the best. And now we are coming back together. Abhi to ek hafte ka gap raha hai. Now we come back together on Eid. And I hope that his film does as well or better than our film. So all the best, all the best. स्पेशल प्रोग्राम सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग 3 को लेकर, दबंग के फ्रेंचाइजीज को लेकर, उनकी केमिस्ट्री को लेकर. पर्दे पर एक दूसरे के साथ जश्न मनाने वाले सलमान और सोनाक्षी बीते काफी समय से साथ साथ ही हैं. लेकिन हाँ, सोनाक्षी अब नए साल की वेकेशन के लिए निकल चुकी है. सलमान जो है नए साल पर अपने परिवार के साथ है, लेकिन इनका रिश्ता जुड़ा रहेगा. दबंग की फ्रेंचाइजीज में आगे भी काम करना सलमान शुरू करने वाले हैं. तो ये सारी गुड न्यूज आई है फिलहाल दबंग खान को लेकर. फिलहाल लेंगे आपसे अब यहीं पर विदा. जल्द लौटेंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट ट्रेंडी खबरों के साथ. देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज. नमस्कार.